अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, राजस्थान टेट में इस चैप्टर से क्वेश्चन बन चुका है, उसके बाद राजस्थान टेट, छत्तीसगढ़ टेट, बिहार टेट, तो आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग लगभग हर एक जगह टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यूपी टेट में भी यहाँ से प्रश्न बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जान जाते हैं कि सबसे पहले मूलधन या प्रिंसिपल या पी। जी हाँ, इसको पी से मूलधन को लिखते हैं, मित्र धन को दोस्तों ए से, ब्याज को आर से। देखिए कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ जगह ऐसा लिखा रहेगा ना, फिर आप कंफ्यूजन में आएंगे। जैसे टाइम को टी से लिखते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जरा फार्मूला देख लेते हैं। मूलधन बराबर हमारा होता है मित्र धन माइनस ब्याज, एक फार्मूला आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100, या ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को दोस्तों आप ऐसे याद करिएगा। देखिए ब्याज का एक फार्मूला आपका लिखा होगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, या मूलधन को दोस्तों पी से लिखते हैं, दर को आर से, समय को टी से, अपॉन में 100 हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100। ये फार्मूला भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कहीं पर देखिए आर का, देखिए जैसे कहीं दर का मान निकालना रहे तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन इंटू टाइम नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ये फार्मूले बन जाते हैं। जैसे ये सब बना है ना, तो हर फार्मूले को याद नहीं करना, बस ये वाला याद कर लीजिएगा, साधारण ब्याज वाला इसको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला फार्मूला, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक मिश्र धन, मूलधन तथा ब्याज के योग को हम मिश्र धन कहते हैं। तो मित्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मित्र धन को दोस्तों हम ए से लिखते हैं, मूलधन मतलब पी प्लस आर, ऐसे। चलिए अब सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न हमारा क्या रहा, यूपी टेट, सी टेट एवं अन्य टेट की पूर्व परीक्षाओं में साधारण ब्याज से पूछे गए प्रश्न, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। आपके सामने 1, 2, 3, 4 विकल्प है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन को दोस्तों हमने क्या बोला, पी से लिखते हैं, 3,000 पे दिया गया है। ठीक है, ब्याज दोस्तों हमारा आर का मान दिया गया है 12%। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, दोस्तों एक सेकंड, यहां पर हमारा ब्याज दिया गया है। ठीक है, जो दर होता है उसको हम आर से लिखते हैं, ये जो दर है ना, ये आर बराबर हमारा 12% है। साधारण ब्याज कितना दे गया रखा है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज को हम क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आप ये देखिए यहाँ पे लिखा था ना, तो एस आई बराबर हमारा है 1,080 रुपये। तो अभी हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, ये देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज हमारा कितना दे रखा है, 1,080 बराबर मूलधन कितना है हमारा, 3,000 गुणे दर दोस्तों 12% गुणे टाइम हमें नहीं पता, तो टी हो जाएगा अपॉन में 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो टी का मान दोस्तों निकल कर आएगा वो आएगा 3 वर्ष। कितना आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारा सही होगा ए विकल्प। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते दोस्तों हमारा मूलधन कितना है, पी है। ब्याज दोस्तों दिया गया इस क्वेश्चन में, कितना दिया गया ब्याज, ब्याज दिया गया 2/5। देखिए साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो ब्याज बराबर 2/5 गुणे पी हो जाएगा। क्यों होगा, उस धन का मतलब किसी भी धन, जो हमारा पी था प्रिंसिपल था, उस धन का इतना हो जाएगा। ठीक है, समय दोस्त इस क्वेश्चन में हमें टी बराबर दिया गया 10 वर्ष, हमें टाइम भी पता चल गया है समय। ठीक है, और हमें दर निकालना, आर का मान हमें निकालना है, फार्मूला हमें पता है क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है बताइए, पी आर टी अपॉन में 100। साधारण ब्याज हमें ये बताइए, देखिए हमें पता ना ब्याज बराबर 2/5 इंटू पी बराबर दोस्तों पी आर हमें निकालना है, टाइम 10 है बटे हो जाएगा 100। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पी से ये पी कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 गुणे 2 इधर हो जाएगा 4, आर बराबर आ जाएगा हमारा 4%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर दूसरे का ए विकल्प सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आपके पेपर में बनेंगे, आप लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, बहुत कठिन प्रश्न आपके पेपर में नहीं आता है। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ले लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापिस करता है तो उसने कितना रुपये उधार लिया था, आपको ये बताना है। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मान लेते दोस्तों व्यक्ति ने कितना रुपये उधार लिया था। अगर मान लेते हम लोग व्यक्ति ने एक्स रुपये उधार लिया था, ठीक है, हमारा दोस्तों जो आर का मान है ये कितना है, आर बराबर हमारा है 15%। ये देखिए समय दोस्तों कितना दिया था एक व्यक्ति ने इतने 3 साल बाद, तो टी का मान हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। उसके बाद दोस्त इतना रुपये वापिस करता है, तो दोस्त ये हमारा मिश्र धन है ना कि मूलधन, जरा इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा दोस्तों मिश्र धन इतना हो गया, मतलब ए का मान हमारा है 7,250 रुपये मिश्र धन। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, बताइए, मूलधन प्लस में दोस्तों साधारण ब्याज एस आई। ठीक है, तो इससे अब हम लोग कर लेंगे मिश्र धन बराबर दोस्तों ये फार्मूला है ना, तो मिश्र धन हमें पता है 7,250 रुपये बराबर मूलधन, यह हमें नहीं पता इसको हमने एक्स मान रखा है, प्लस में दोस्तों हो जाएगा पी आर टी। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, मूलधन को एक्स माने थे, पी का मान यहाँ पर एक्स हो जाएगा, आर का मान 15, टी का मान 3, ठीक है, बटे में 100। ये इंटू का दोस्तों ये एक्स है, ये इंटू का चिन्ह है, ठीक है, ये गुणा का। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करते हैं, 15 या 45 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 7,250 बराबर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस का 45 एक्स अपॉन में 100। ठीक है, ये करेंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 145 एक्स अपॉन में 100। यहाँ पर दोस्तों हमने एलसीएम ले लिया था, ठीक है, कितना हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करके सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो एक्स का मान आएगा 7,200, ठीक है, 250 गुणे में 100 हो जाएगा अपॉन में 145। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक्स का मान आएगा 5,000 रुपये, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतना रुपया आ जाएगा। तो हमारा कौन सा सही आंसर होगा, ये होगा हमारा ए विकल्प, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके पेपर में देखिए बनते हैं, तो तैयारी हम लोग करेंगे, अच्छे स्कोर भी करेंगे पेपर में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर लिखा है छमाही दर लग रहा है, ठीक है, तो समय दोस्तों पहले बताइए कितना है, 6 महीने का, ठीक है, तो समय बराबर दोस्तों हमारा जो टाइम दिया गया है एक छमाही, छमाही, ठीक है, छमाही का मतलब दोस्तों कितना होता है, 6 माह, 6 महीने ना। दर दोस्तों हमारा आर बराबर दिया गया 8%, मूलधन दोस्तों पी बराबर दिया गया 500 रुपये। फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन में 100। पी का मान दोस्तों कितना है, 500 रुपये है, आर का मान 8% है, ब्याज है दोस्तों हमारा छमाही इंटू 1 अपॉन दोस्तों हो जाएगा 100। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 × 5 ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो बस हमारा 40 यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी ने 800 रुपये 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया। दिमाग देखिए इसका, 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करने का प्रयास करेंगे। 4 विकल्प है, देखिए जो बच्चों को आता है वो बच्चे करने की कोशिश भी करें। एक आदमी ने इतना मूलधन दोस्तों हमारा 800 रुपये, मूलधन को हम लिखते हैं पी से, प्रिंसिपल मतलब 800 रुपये हो जाएगा। समय दोस्तों देखिए कितना दिया गया है, समय दिया गया 2 वर्ष, टी का मान हमारा 2 साल हो जाएगा। दर दोस्तों देखिए 10% है, तो ये हमारा आर का मतलब, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ये हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब साधारण ब्याज का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं पी आर टी अपॉन में 100। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, पी का मान 800 गुड़े आर का मान 10 गुड़े टी का मान 2 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कटा, 10 × 8 80 हो गया, 80 × 2 160 हो गया, एस आई का मान आ जाएगा दोस्तों हमारा 160 रुपये। ठीक है, इतना हो गया हमारा।
उसके बाद दोस्त हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए इसने चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं दोस्तों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, या इसको ऐसे लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इसको हम CI से लिखते हैं। अभी इसका अगला जो चैप्टर हम लोग देखेंगे इसी पर पूरा आधारित होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। तो इस वीडियो को जब कंप्लीट हो जाए आपकी तो इसके बाद अगला चैप्टर आप इसी का देखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला दोस्तों क्या होता है हमारा, P 1 + R/100 की पावर T माइनस का P होता है फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। P का मान हमारा 800 है, 1 + दोस्तों R का मान कितना था हमारा 10 था, बटे 100 हो जाएगा, समय दोस्तों हमारा 2 वर्ष है, माइनस P का मान 800 है, इसको सॉल्व कर लेना है। 1 0 से 0 कटा, 10 एक कम 10 हो जाएगा, ये 11/10 ना, तो 800 × 11/10 का स्क्वायर है, तो मतलब 11/10 × 11/10 माइनस का 800, इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 0 है, 1 2 0 ये कट जाएगा, 11 × 11 121, 121 × 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 968 माइनस का 800, घटाने पर दोस्तों आ जाएगा हमारा 168 रुपये, इतना आ गया। 2 वर्ष बाद प्राप्त जो धन होगा, ब्याजों में जो अंतर आएगा दोस्तों ये होगा 168 माइनस 160, अभी जो हमने ब्याज निकाला था इधर 160, इसको घटा लेंगे हमारा आ जाएगा 8 रुपये, ठीक है। अब विकल्प में दोस्तों हमारा जो ये बी विकल्प है एकदम, कौन सा अंतर सही होगा दोस्तों, बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, हमारा आंसर आ गया 8। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले मिटा दिया जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका अगर आप लोग को पता है तो आप लोग आसानी से हर एक प्रश्न को कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है, तो 4 वर्ष के पश्चात उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। अब आपके सामने 4 विकल्प भी यहाँ पर दिया गया, देखिए विकल्प दिया रहता तो बढ़िया रहता है ना, बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी विकल्प पता चल जाता तो हम लोग टिक मार लेते हैं, चलिए करने का प्रयास करते हैं। मूलधन दोस्तों यहाँ पर जरा समझिए, P बराबर 1500 रुपये है, ठीक है, उसके बाद दर जो हमारी है देखिए ये 5%, R का मान 5% है, T का मान समय हमारा है 4 वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है बताइए, SI बराबर होता है PRT/100, P का मान 1500, R का मान 5, समय 4/100, 2 0 से 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे सब कुछ आ जाएगा 300 रुपये, इतना आ गया। महाजन को दोस्तों जो लाभ होगा वो 300 रुपये का होगा, ठीक है, तो लेकिन हमें उसको कितने परसेंट का लाभ हो ये बताना है, परसेंटेज ऑफ लाभ, इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने देखा था यही सब तो था ना, तो ऊपर लाभ दोस्तों लिख लेंगे 300/ दोस्तों हमारा जो क्रय मूल्य, या इसको कहते हैं मूलधन, यहाँ पर मूलधन दोस्तों क्या है हमारा 1500 रुपये, गुड़े में 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 15 कम 15 15 2 30 ये आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा परसेंटेज आप लाभ का फार्मूला था इसको जरा बता देते हैं क्या था, ऊपर हमने लिखा इसमें लाभ अपान में दोस्तों लिखा हमने क्रय मूल्य, ये इसको यहाँ पर था हमारा मूलधन, ठीक है, इंटू में 100, जैसे कुछ बच्चे फार्मूला लिखते नोट्स बना रहे होंगे तो वो ये लिख लेंगे, यहाँ से हमने ऐसे किया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, विकल्प में दोस्तों हमारा 20% पहले, ये इसको टिक मार लेते हैं, ये बी विकल्प यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, वह धन आपको बताना है, कौन सा धन है भाई, वो धन बताना, जो भी पूछा जाए उसको सीधा तो मान लेते हैं, वो धन हमारा माना, माना धन कितना है हमारा एक्स है। देखिए हमने एक फार्मूला बताया था, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, या दोस्तों ब्याज बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मिश्र धन माइनस का मूलधन, ठीक है, ये लिख सकते हैं, और साधारण ब्याज ये जो है ना SI बराबर इसका फॉर्मूला होता है PRT, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। प्रश्नानुसार देखिए,
कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये होता है, ठीक है? तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 500 रुपये। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 500 माइनस एक्स बराबर, हमने धन को क्या माना था? एक्स माना था, तो एक्स इंटू आर इंटू 2 हो जाएगा, बटे में 200, 2 वर्ष समय दिया गया, 100 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा समीकरण दोस्त, ये 900 रुपये से बनाएंगे हम लोग। यहां पर हो जाएगा हमारा 900 एक सेकेंड, 900 माइनस एक्स बराबर, ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू आर, यहां पर समय कितना दिया था? 4 वर्ष, इंटू 4/100, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 है इसमें समीकरण 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 500 माइनस एक्स अपान में हो जाएगा 900 माइनस का एक्स बराबर। दोस्तों देखिए सब कुछ कट जाएगा, बचेगा 2 और 4, ये ऐसे लिख लीजिए आप लोग, एक्स आर इंटू 2/100 अपान में दोस्तों हो जाएगा हमारा टोटल एक्स इंटू आर इंटू 4/100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 2/4, या इसको भी भाग कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बचेगा हमारा 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 500 माइनस एक्स अपान 900 माइनस एक्स बराबर 1/2, ठीक है? इसको सॉल्व करना, तिरिया गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 1000 माइनस का 2x बराबर हो जाएगा 900 माइनस का x, ये x इधर आ जाएगा। एक काम करते हैं, 2x को इधर ले जाते हैं, 900 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस का 900 बराबर हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा माइनस का x, या x का मान हमारा आ जाएगा 100। 1000 में से 900 हो गया, कितना बचा? 100 बचा ना, तो ये दोस्तों बचेगा 100, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए विकल्प, ठीक है? तो देख सकते हैं आप लोग कुछ क्वेश्चन कितने बड़े रहते हैं, लेकिन हाँ करने का अगर आपको तरीका पता है ना तो हर एक क्वेश्चन आसान है, ठीक है? 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे एक रुपए पर छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए जमा किए, 1 से 1/2 वर्ष, ठीक है, के बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि आपको बतानी। उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके सामने। कुछ क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछा जाता है ताकि आप लोग उसका उत्तर गलत कर पाए। देखिए एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि सभी बच्चे सभी प्रश्नों का सही जवाब दे, ठीक है? कोई एग्जामिनर नहीं चाहेगा कि बच्चे यूपी टेट में 30 में से 30 या सी टेट में लेके आए, फिर होगा कि पेपर बड़ा आसान बन गया था क्या? तो ये सब बातें होती हैं, जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि दोस्तों 1 रुपए पर 6 महीने में बैंक द्वारा दिया गया ब्याज कितना होगा? 10 पैसा। देखिए एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपए पर 6 महीने साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए जमा किए, तो यहां पर हमने समझा कि 1 रुपए पर 6 महीने में बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, 1 रुपए पर बैंक, ठीक है, 6 महीने में, 6 मंथ में बैंक द्वारा दिया गया ब्याज कितना है? 10 पैसा है, ठीक है? तो 200 रुपए पर 6 महीने में बैंक द्वारा दिया ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपए पर, बताइए, यहां पर 200 रुपए जमा किए ना, 200 रुपए पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 200 × 10 पैसा। जब ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा हमारा 2000 पैसा। आपको पता है कि 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है, ठीक है? यहां पर 2000 पैसा, इसको जब रुपए में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 2000 को 100 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा रुपए में, 2 जीरो कट गया, बचेगा हमारा 20 रुपए, इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, चूंकि 200 रुपए पर 1 से 1/2 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि आपको बतानी है, तो 200 रुपए पर 1 से 1/2 वर्ष मतलब क्या हो गया दोस्त? ये 3/2, यहां पर इसको ऐसे लिखिए, 3/2 वर्ष मतलब 6 माह × 3 में बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, ठीक है? देखिए इसको आप ऐसे समझिए, ये क्या लिखा है? 1 से 1/2 लिखा है ना, 1 से 1/2, इसका मतलब 2 एकम 2, 3/2 हो गया। 3/2 का मतलब दोस्तों कितना हो गया बताइए? कितने महीने हो गए? 6 महीने की बात अगर देखिए, ये 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर, तो 1.5 साल में दोस्तों कितने महीने होंगे? 1 साल में 12 महीने होते, तो 1.5 साल में कितने हो जाएंगे? 18 महीने। मतलब यहां पर देखिए बात हो रही है छमाई पर, तो यहां पर दोस्त हो जाएगा हमारा 20 का जो मल्टीप्लाई होगा, मतलब देखिए इसको समझिए,
इतने मतलब 18 महीने में बैंक द्वारा दिया गया जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 रुपए। ये समझ गए ठीक है आप लोग, ये 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 18 महीने की बात हो रही है। यहाँ पर इसको समझिए जो ये लिखा था वर्ष में, अतः बैंक द्वारा 1 से 1/2 वर्ष बाद वापस दी गई कुल जो धनराशि होगी, उसके पहले पास 200 रुपए था उसमें 60 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260 रुपए। कौन सा विकल्प है भैया जरा देखते हैं, बड़ा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बी विकल्प ठीक है, इसको टिक करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, वही होता है कि कुछ तरीके अगर आपको नहीं समझ में आते, जैसे जो बच्चे पहली बार इस क्वेश्चन को अभी देखे होंगे हो सकता है ना समझ में आओ, लेकिन वीडियो को जब 2-3 बार देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2,600 रुपये हो जाती है तो राशि आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मान लेते दोस्तों जो राशि बतानी है तो हमने क्या मान लिया, माना हमारी राशि क्या है X रुपए, ठीक है। तो ब्याज बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, ब्याज का फॉर्मूला हमने आपको एक बताया जो मिश्र धन वाला बताया था, क्या बताया था, a-p, a से मिश्र धन है, p से हमारा मूलधन है ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए इतने 6 वर्षों में मतलब कितना हो जाता है, इतना रुपये, ये मिश्र धन है हमारा, इसको 2600 मान लेते हैं और हमने 200 राशि को एक्स मान लिया, ये हो गया ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है बताइए, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमें बताया जो ये ब्याज है ना, ब्याज नहीं है, ये होता है दोस्तों फार्मूला हमारा मूलधन PRT, मतलब गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो हमने फार्मूला भी देखा था साधारण ब्याज बराबर ठीक है, इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, ये 2600 माइनस X बराबर PRT, P की जगह दोस्तों हम लोग X रखेंगे, R का मान 5 है, समय दोस्तों कितना दिया गया 6 अपॉन में हो जाएगा 100। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो चलिए कर लेते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर ये से आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 2600 माइनस X इंटू में हो जाएगा 100 बराबर दोस्त हो जाएगा 6 5 30, 30X ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, 1 0 से 1 0 इसको काट लेते हैं, पहले क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ये 2600 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2600, 1 0 और बढ़ जाएगा माइनस का 10X हो जाएगा बराबर दोस्तों 3X, 10X उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा, देखिए 26,000 बराबर ये हो जाएगा 3X, प्लस में इधर आएगा 10X तो हो जाएगा प्लस में 10X, जोड़ेंगे हो जाएगा टोटल 13X, यहाँ से हमारा X का जो मान आ जाएगा 26,000/13, भाग करेंगे 13 दूनी 26, 1 2 3 0, तो X का मान दोस्तों आ जाएगा हमारा 2,000 रुपये ठीक है। तो देखते हैं विकल्प कौन सा सही है हमारा, ये सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अब अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लेकिन इसको मिटाते हैं पहले। 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, क्या होता है इसको क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज को SI, सिंपल इंटरेस्ट, SI का फॉर्मूला बताया था हमने। ये देखिए हमारा जो 4,000 रुपये ये मूलधन है, पी है 10%, ये आर का मान है, समय 202 वर्ष, PRT/100 हमने बता रखा है, पी का मान हमने क्या बताया यहाँ पर 4,000 रुपये, आर का मान दोस्तों 10% गुणे समय 2 वर्ष/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 40 गुणे 10 400 दूनी 800 रुपये बस हो गया, ये सी विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन हरियाणा टेट में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, 4 विकल्प आपके सामने ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों इसको जरा लिख लीजिएगा, N1 -1/T1 बराबर N2 -1/T2, ये फार्मूला आपको जरा ध्यान रखिएगा, N1 -1/T1, N2 -1/T2। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में से कितना समय लगेगा, तो N1 का दोस्तों जो यहाँ पर मान है वो 2 है, T1 दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया है 8 वर्ष, N2 का मान दोस्तों दिया गया है 4, और T2 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। N1 2 -1/T1 का मान दोस्तों 8 है बराबर
एन टू का मान हमारा था 4 -1/T2, दो में से एक गया, एक बचा 1/8 बराबर दोस्तों यहाँ पर बचेगा 4 में से 1 गया 3/T2। टी टू बराबर दोस्त हो जाएगा 8 × 3, तो ये हो जाएगा 3 × 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा टी टू का मान आ जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। तो कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर ए विकल्प हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने टोटल इस वीडियो में 11 प्रश्नों को देखा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हर एक प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं है, कमेंट करेंगे उसको और आपको समझाया जाएगा। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा पाए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा, उससे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। और एक बात और है, ठीक है, काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं सर जी आपका नाम क्या है, तो हमारा नाम विनय सिंह है। ठीक है, काफ़ी बच्चे हमारा नाम भी नहीं जानते। चलिए ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग को टोटल हमारे साथ 1500 क्वेश्चन फ्री में देखने को मिलेगा, वो भी गणित का, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टेट एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, और भी ठीक है वीडियोस के साथ और भी क्वेश्चंस के साथ। कुछ बेसिक फार्मूला अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर बिल्कुल मतलब आग लगा देंगे पेपर में आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, गुड डे।